हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितेश दुबे, यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 4 से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमारे चैप्टर 4 का नाम है समतल में गति। तो इसमें मोस्ट एमपी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर ये वीडियो है, और उन्हीं क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है सदिश और अदिश, और अदिश की परिभाषा व अंतर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदिश और अदिश की परिभाषा और सदिश और अदिश में अंतर, ठीक है। सदिश क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है, और अदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशियां वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र तथा व्यक्त करने के लिए के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, ठीक है ना। वे राशियां सदिश और अदिश की परिभाषा में, सदिश राशियां वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र होती हो, जिन्हें व्यक्त करने की दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है, क्लियर। ठीक वैसे ही अब इसके अदिश राशि की परिभाषा क्या होगी। अदिश राशि की परिभाषा वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चाल, दूरी इत्यादि, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है इनमें अंतर कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये पहली लाइन, पहला अंतर तो यही स्पष्ट है आपकी कि दोनों की सदिश राशि और अदिश राशि की परिभाषा, क्लियर है, ठीक है ना। पहला अंतर जो आप लिखेंगे दोनों की परिभाषाएं लिखेंगे। दूसरा अंतर जो है उसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में आप अंतर बताते हैं कि अंतर क्या है, बहुत ही इजी भाषा में बता रहे हैं, एक बार सुनकर शायद याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए अदिश राशियों का जो योग, गुणा या भाग होता है, ठीक है ना, साधारण गणितीय विधि द्वारा होता है। यहां अंतर लिख देता हूं मैं, यहां अदिश राशि और सदिश राशि, क्लियर है। चलिए देखिए पहला अंतर इनकी परिभाषाएं हो गई, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं परिभाषा, यहां भी परिभाषा,
सेकेंड अंतर, अदिश राशियों का इनका गुणा भाग, ठीक है ना, जोड़ना साधारण गणितीय विधि से होता है, साधारण गणितीय विधि से होता है। क्लियर है? इनका जो अदिश राशि है, इनका जो जोड़ घटाना गुणा जो होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, साधारण गणितीय विधि से होता है, जिस तरीके से आप लोग मैथ के सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, उस तरीके से इनका अदिश राशियों का गुणा हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है, जोड़ना हो जाता है। लेकिन सदिश राशियों का जो जोड़ घटाना, ठीक है ना, या गुणा होता है, वो वेक्टर बीज गणती या एक नवीन बीज गणती विधि द्वारा होता है। तो इनका जोड़ घटाना, जोड़ घटाना और गुणा, ठीक है ना, जोड़ घटाना और गुणा नवीन, नई बीज गणती पद्धति बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है ना, नवीन बीज गणती या इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर बीज गणती विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर है ना? अदिश राशियों को, अब तीसरा अंतर, अदिश राशियों को उनके अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनको सिंपल तरीके से लिखा जाता है, जैसे ए बी सी, इस तरीके द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेकिन जब सदिश की बात आती है तो उनके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना, तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। यह आपके तीन अंतर हो गए। चौथा अंतर जो होगा, इनके आप उदाहरण लिख दीजिए, मैक्सिमम चार ही अंतर पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाता। तीन नंबर का क्वेश्चन आता है कि सदिश और अदिश में अंतर लिखिए, या इसकी परिभाषा आ जाती है दो नंबर में कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जो कि क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में और एनुअल में इस चैप्टर से अक्सर कर पूछा जाता है। त्रिभुज का सदिश योग नियम, ठीक है ना, और त्रिभुजों का योग सहचर नियम, ये दो क्वेश्चन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम उसी उस क्वेश्चन के बताते हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है सदिश योग का त्रिभुज नियम, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि क्वार्टरली एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मैं आपको एक छोटे से चित्र के द्वारा बता देता हूं कि इस नियम के अनुसार यह बोला गया है कि सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है तो वो क्या बताना चाह रहा है। देखिए यहां पे अगर हम एक सदिश ए ले लें प्लस दूसरा सदिश बी ले लें, ठीक है ना, तो दोनों का योग त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के बराबर तथा विपरीत क्रम में होगा, ठीक है ना। यदि हम दो सदिशों को जोड़ें तो जिस तरीके से त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक वैसे ही त्रिभुज दो सदिशों का योग, ठीक है ना, त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के बराबर होता है और विपरीत क्रम में होता है। याद रखना ये बात
चलिए देखिए, ये सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया, ठीक है ना, ये इसका परिणाम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आर सदिश बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी। क्लियर है? यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है, यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है, बस इसे अपने शब्दों में लिखना है आपको। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया आपको कि दो सदिश किन्हीं भी दो सदिश, ठीक है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अगर जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो इनका परिणाम त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के परिमाण के बराबर होता है, जो कि विपरीत क्रम में होता है, ठीक है। देखिए चित्र में प्रदर्शित है, अगर हम लिख दें तो बी को जोड़ना है, हम यहां लिख सकते हैं चित्र के अनुसार सदिश ए व बी को जोड़ना है, है सदिश ए और बी को जोड़ना है, तो इसके लिए पहले एक सदिश ठीक है ना जोड़ना है, तो इसके लिए ठीक है ना, किसके लिए, इसको इन दोनों सदिशों को जोड़ना है हमें, ठीक है ना, ए और बी को जोड़ना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले इनको सदिश ए को और सदिश बी को, ठीक है ना, हमें त्रिभुज की भुजाएं बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, त्रिभुज की भुजाएं बतानी पड़ेगी, तो इसके लिए ठीक है ना, सदिश ए को, सदिश ए को क्या मान लें, ओपी सदिश, ओपी सदिश मान लें, ठीक है ना, और पी के दूसरे पी के शीर्ष में, पी के शीर्ष में एक और सदिश क्या ले लें, हम सदिश यहां हम लिख दें कि सदिश बी को और सदिश बी को क्या मानेंगे, पी क्यू, पी क्यू सदिश, ठीक है ना, पी क्यू सदिश मान लेते हैं, पी क्यू सदिश मान लेते हैं, ठीक है ना, पी क्यू सदिश मान लेते हैं। क्लियर है? हमने क्या बताया, चित्र के अनुसार सदिश ए को, ए और बी को जोड़ना है, तो इसके लिए ए को ओपी सदिश और बी को पी क्यू सदिश मान लेते हैं। क्लियर है? यस सर। कि नहीं है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए अब देखिए आगे इसमें, अब हमने त्रिभुज, जब मैंने आपको ये डायग्राम समझाया तब मैंने एक बात बोला कि ये दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के बराबर होता है, मतलब इनका परिणामी सदिश क्या होगा, वो क्यू ओ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत क्रम में होगी, मतलब इसके विपरीत होगी, ओ से क्यू की ओर होगी। क्लियर है कि नहीं है? है। चलिए देखिए, यदि हम सदिश ओ, सदिश को ठीक है ना, ओ से क्यू मान लेते हैं, ओ से क्यू, एक और सदिश जो है सदिश आर है, ठीक है ना, ए बी का परिणामी सदिश हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो इसको हम आर मान ले या ए प्लस बी लिखे, बात तो क्लियर है, एक ही है कि नहीं है, एक ही क्लियर है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यू ओ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना, ये थ्योरी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसे ऐसा नहीं कि आप जैसा बुक में लिखा या गाइड में लिखा, गाइड तो फालतू है, लेकिन इसको आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नीचे ये देखिए, ओ पी सदिश ओ पी प्लस सदिश पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सदिश ओ क्यू, या फिर हम लिख सकते हैं ओपी हमने माने थे सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर क्या हो जाएगा, सदिश आर होगा कि नहीं होगा, yes, sir. होगा ना, होगा सर,
चलिए सदिश ए आर जो है ए और बी का क्या है परिणामी सदिश कहलाता है। सदिश आर जो है ए और बी का परिणामी सदिश कहलाता है, ठीक है ना। आर का प्रभाव उतना ही होगा जितना इन दोनों का होगा, अकेले आर का जितना प्रभाव होगा वो किसके बराबर होगा, सदिश ए और सदिश बी के बराबर होगा। हम इससे भी बोल सकते हैं कि दो सदिशों का योग त्रिभुज नियम के अनुसार किन्हीं भी दो सदिशों का योग, ठीक है ना, दो सदिशों का योग त्रिभुज की दोनों भुजाओं के योग के समान त्रिभुज की अन्य तीसरी भुजा के क्या होता है बराबर होता है। यदि आप देख लीजिए सदिश ए और सदिश बी को ओपी सदिश और पीक्यू सदिश मान ले तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा, ओ क्यू सदिश होगा जो कि इसके विपरीत क्रम में होगा। दिक्कत है, बहुत ही इजी है। ऐसे ही सदिश योग का सहचर्य नियम है जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो भी इसके आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू मिलेगा इस चैप्टर का। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिशों का क्रॉस गुणनफल, सदिशों का डॉट गुणनफल और प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का क्षैतिज परास, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई जैसे और क्वेश्चंस के आंसर और इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहे और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।